जिला प्रशासन जिस तरह से कोरोना को लेकर सतर्कता दिखा रहा है उसका हकीकत तब सामने आई जब पता चला कि चीन से आए युवक की जिला प्रशासन को कोई खबर तक नहीं लगी और वह तकलीफ होने पर लोहिया अस्पताल पहुंचकर भर्ती हो गया। मरीज का कहना कि कई बार कहने के बाद भी उसको टरकाया गया। बीते दिन फतेहगढ़ के दुर्गा कॉलोनी निवासी कोतवाली फतेहगढ़ क्षेत्र के दुर्गा कॉलोनी निवासी 39 वर्षीय कौशलेंद्र पुत्र दशरथ की बीती शाम लोहिया अस्पताल में भर्ती किया गया। वह संदिग्ध कोरोना पीड़ित है। कौशलेंद्र चीन में एक कंपनी में मैनेजर है। वह बीते 25 फरवरी को दिल्ली आ गए। इसके बाद उनका दिल्ली में जांच की गई। 26 फरवरी को वह फतेहगढ़ अपने घर पहुंचे। बीते 20 मार्च को उन्हें कुछ बुखार की शिकायत दिखी, जिसके बाद उन्होंने हेल्पलाइन की मदद से लोहिया अस्पताल में संपर्क साधा, लेकिन उन्हें बुखार बताकर चलता किया गया। लेकिन बाद में सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यालय में फोन कर शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद वह ACMO डॉक्टर राजवीर के द्वारा फोन पर बुलाकर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया। अब समझने वाली बात यह है कि ईश्वर करे कि निगेटिव रिपोर्ट आए, लेकिन अब यदि रिपोर्ट में कोरोना की पुष्टि होती है तो केवल अफसोस करने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। आखिर जिला प्रशासन को खबर क्यों नहीं लगी? पुलिस का खुफिया तंत्र, बीट सिपाही और अन्य व्यवस्था को भनक क्यों नहीं लगी? जबकि चीन या विदेश जाने वाले हर व्यक्ति के बारे में जिला प्रशासन की नजर होती है, लेकिन कौशलेंद्र के मामले में भनक क्यों नहीं लगी? कहीं ना कहीं जिला प्रशासन से बड़ी चूक हुई है। मैं सम्मान करता हूं उन सभी लोगों का जो कि कोरोना के खिलाफ लड़ रहे हैं, सभी डॉक्टर्स का, सभी मेडिकल हेल्थ वर्कर्स का और पुलिस प्रशासन का जो मुस्तैदी से इस काम को अंजाम देने में लगे हुए हैं। मुझे क्षोभ और शिकायत इस बात की है कि मेरे बारे में गलत अफवाह, गलत बात बताई गई और छापी गई, तो मैं इस बात को अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ कि सही बात सभी लोगों तक पहुँचाऊँ, इसलिए मैं ये वीडियो आपको भेज रहा हूँ। इस टेस्ट को कराने के लिए मैंने CMO ऑफिस से लेकर मुख्यमंत्री तक बहुत प्रयत्न किए, मेल लिखे, उनके ट्विटर पर ट्वीट किए, CMO ऑफिस पर दर्जनों बार कॉल करने के बाद, उनसे काफ़ी प्रयत्नों के बाद मुझे जो है राजी हुआ इस टेस्ट कराने के लिए प्रशासन। और जब मैं टेस्ट कराने आ गया, उसके बाद इस तरीके की खबरें अखबार में जब छापी गई कि मुझे 100% कोरोना है और ये जो है मैं 5 दिन पहले चाइना से आया, ये सारी गलत हैं। मुझे हल्का सा फीवर है, बट एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं चाहता था कि मैं अपना टेस्ट कराऊं और जो है समाज को और अपने परिवार को सुरक्षित रखूं। मुझे हल्का सा फीवर है, मैं 26 दिन पहले आया था चाइना से, और मैं जब चाइना से आया था मेरे वहाँ भी टेस्ट हुए थे, मुझे क्वारंटाइन।